हम सब खड़े हैं, जो बच्चे सारे टीवी पे हैं, चलो पापा को देखूंगा। वो न्यूज ही नहीं है। मुफ्ती सईद ने अपने ज़माने के अंदर एक हॉस्पिटल की ले फाउंडेशन करी थी, हालांकि स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हॉस्पिटल जो है शुरू नहीं हुआ था। अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है उनका दौरा जम्मू कश्मीर वैली के अंदर था और लोगों की ख्वाहिश भी थी कि उस हॉस्पिटल को जो है चालू किया जाए, और कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने की। याद होगा आपको, हमारे पास चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो सनवार के अंदर मौजूद है, वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, और उस फ्लो को रिड्यूस करने के लिए जो है वहाँ से उस हॉस्पिटल को चालू किया गया है और उसकी इनॉग्रेशन कल की गई है। ये आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं, वो हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है और लोगों से गुजारिश करी जाती है कि अगर जाके आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा सनवार में मौजूद है वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उस हॉस्पिटल में जाके सारी फैसिलिटीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी चीज़ की वजह से जो है उस हॉस्पिटल की कल इनॉग्रेशन की गई थी। फिलहाल के लिए कोशिश करेंगे आगे भी आप तक हर कोई छोटी बड़ी अपडेट पहुँचाने की, तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जैसे आपको पता ही है कि ये 500 चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना है, इसका जो ओपीडी पार्ट था वो तैयार है और हमने टेक ओवर किया है। ये एडिशनल जो ओपीडी हमने स्टार्ट किया ऐसे ही, और ये जो जीबी पंत की एडिशनल ओपीडी है वो यहाँ स्टार्ट किया। यहाँ डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हमने रखे हैं, पैरामेडिकल है, सारी फैसिलिटी रखी हैं जो ओपीडी में होनी चाहिए। और जो जो या हमारे हमें जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फैसिलिटी तैयार होती जाएंगे, हम टेक ओवर करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली शिफ्ट करते जाएंगे इसको। सर कितने यहाँ डिपार्टमेंट, अगर देखें बहुत डिपार्टमेंट हैं छोटे छोटे, जैसे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, इस तरीके से हेमाटोलॉजी है। हाँ, ये सारी फैसिलिटी वो जो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, एक टर्शी केयर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए थी, वो यहाँ रखी गई हैं। ये पब्लिक की सोचे कि इनका अपना हॉस्पिटल है, इसको साफ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करें, जब आएँ ये तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखें और ये हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि ये हॉस्पिटल साफ सुथरा रहे। पेशेंट के लिए तो हमने यहाँ पर, हमारे पास 4 पेशेंट आ चुके हैं और जो जो पेशेंट आएंगे तो हाँ, हमारी तरफ से वी आर रेडी।